वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर टाइम गोज ऑन। सेवन चैप्टर का फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2018। ये अगस्त 2018 का कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पे मंथ दिया है अगस्त और 2018 ईयर्स का, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे वेडनेसडे को फर्स्ट डेट दी है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू, फिर थ्री है, तो यहाँ पे फोर, देन फाइव, सिक्स, सेवन दिया हुआ है, तो एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन हमें दिया हुआ है, फिर नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर है, यहाँ पे लिखेंगे ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन, थर्टी एंड थर्टी वन। ऑगस्ट मंथ कितने डेज का होता है? थर्टी फर्स्ट का होता है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था कि कितने मंथ्स जो है वो थर्टी फर्स्ट के होते हैं और कौन से मंथ जो है वो उसकी थर्टी डेट होती है, डेज होते हैं, ठीक है। तो कलर ऑल द संडेज इन रेड। अभी यहाँ पे संडे कहाँ पे दिए हैं, देखिए यहाँ पे फाइव, ट्वेल्व, नाइनटीन एंड ट्वेंटी सिक्स डेट को संडे आता है, तो ये जो लाइन है इसको क्या करना है आपको, रेड कलर से इसको कलर करना है, तो यहाँ पे यूज़ करना है रेड कलर, ठीक है। फिर ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, ये जो अगस्त मंथ है ये कौन से डेज को एंड होता है, डे पूछा, डेट नहीं पूछे, तो डेट कौन सा है यहाँ पे, थर्टी फर्स्ट, कौन से दिन आता है यहाँ पे, फ्राइडे को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे को हमारा ये मंथ फिनिश होता है। राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ, यहाँ पे इस मंथ में कितने डेज है, तो हमारी लास्ट डेट कौन सी है, थर्टी फर्स्ट, मतलब कितने दिन हो गए इसके अंदर, थर्टी वन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्टी वन जो है डेज है इस मंथ में। व्हाट डे इज इट ऑन थर्टींथ अगस्त, थर्टींथ अगस्त को कौन सा डे है, तो हम इस मंथ में देखते हैं थर्टींथ अगस्त को कौन सा डे है, ये रही थर्टीन डेट डेट, और डे कौन सा है, मंडे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे, एम ओ एन डी ए वाई। देन व्हाट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे की कौन सी डेट है, तो यहाँ पे देखते हैं फिर से, सैटरडे ये रहा सैटरडे, ये फर्स्ट सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे की कितनी डेट है, इलेवन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेवन, ठीक है। इज द ट्वेंटी फर्स्ट अ संडे, ट्वेंटी फर्स्ट का संडे है क्या, यहाँ पे देखते हैं, ट्वेंटी फर्स्ट, वेर इज ट्वेंटी फर्स्ट, यहाँ पे संडे है क्या, नहीं यहाँ पे है ट्यूसडे, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे पूछा है संडे है क्या, तो यस और नो, तो नो यहाँ पे संडे नहीं है। देन व्हाट इज द डे ऑन द ट्वेंटी नाइन्थ, ट्वेंटी नाइन्थ को कौन सा डे है, व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, ट्वेंटी नाइन को देखते हैं पहले कौन सा डे है, ट्वेंटी नाइन को है वेडनेसडे, ठीक है, ट्वेंटी नाइन को है वेडनेसडे, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं वेडनेसडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, अब यहाँ पे ट्वेंटी नाइन को वेडनेसडे है, तो सेम वेडनेसडे को ही उसके नेक्स्ट वीक यहाँ पे डेट कितनी होगी, तो यह थर्टी फर्स्ट के अगस्त है, अगस्त के बाद जब वन डेट आएगी सैटरडे की, तो वहाँ पे मंथ कौन सा स्टार्ट होगा, सितंबर, तो सितंबर मंथ स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम सितंबर का वीक काउंट करते हैं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू आएगी, थ्री, फोर और फाइव, कौन सी डेट आएगी, यहाँ पे फाइव सितंबर आएगी, वो वाली उसके नेक्स्ट वीक के बाद, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फाइव, फिफ्थ सितंबर। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ,
इस मंथ में कितने थर्सडे है वो हमें देखने हैं। तो देखिए इसमें कितने थर्सडे है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे है 5 थर्सडे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, या फिर आप इसमें भी लिख सकते हैं वर्ड में FIVE 5, इस तरह से इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया है फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडे। आपको देखना है कि पीछे कैलेंडर में जो है वहाँ पे कितने मंथ है जिसमें 5 संडे दिए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए जनवरी में नहीं है, फरवरी में भी नहीं है और मार्च में भी नहीं है। फिर है अप्रैल, अप्रैल में है 5 संडे। फिर मई में नहीं है, जून में भी नहीं है। फिर जुलाई, सितंबर और दिसंबर, मतलब कितने महीने मंथ हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, 4 मंथ में जो है वो 5 संडे है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था कि विच मंथ्स इन द कैलेंडर, तो हमें मंथ्स के नेम लिखने पड़ेंगे। तो कौन सा था, फर्स्ट था अप्रैल, देन था जुलाई में थे 5 संडे, एंड देन सितंबर में थे, एंड था दिसंबर में, ठीक है। इस मंथ्स में जो है वो 5 संडे थे। देन इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम। फिर आपको कैलेंडर में देखना है कि और कौन से डे है जो, जैसे संडे है दो, कौन से मंथ में आए वो हमने लिखा, फिर मंडे कौन से मंथ में आते हैं वो आपको लिखना है, फिर ट्यूसडे, इस तरह से आपको लिखना है जो 5 टाइम्स आते होंगे। कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ, वाई 6 संडे आते हैं क्या कोई भी मंथ में, नो 6 संडे कैन नॉट फॉल इन अ मंथ, देयर आर 4 और 5 वीक इन मंथ, 6 वीक नहीं होते इसलिए 6 संडे आते नहीं है। यहाँ पे हमें स्टोरी दी है, द ट्रू स्टोरी ऑफ पेड़ की देवी, इसकी एक यहाँ पे स्टोरी दी है, उसको हम पढ़ते हैं। उनकी टाइमलाइन बताई है, माई टाइमलाइन, माई नेम इज़ पेड़ की देवी, आई लिव ऑन लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड। वो इनका नाम क्या था, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, उसने लिखा है इसलिए उसने बोला कि माय नेम इज़ पेड़ की देवी, उसका नाम क्या है, पेड़ की देवी। एंड वो कहाँ पे रहती है, धनबाद में, झारखंड में धनबाद है वहाँ पे रहती है। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, उसका डिस्ट्रिक्ट है झारखंड, ओके। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाने के लिए कोई ये नहीं मिला, जाने का चांस नहीं मिला, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं लेकिन उसको कभी स्कूल जाने के लिए चांस नहीं मिला। आई रिमेंबर दैट वेन आई वॉज 5 ईयर्स ओल्ड आई ब्रोक माई फुट, वो जो 5 ईयर्स की थी तब उसका पैर टूट गया था। आई हैड क्लाइम्ब्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, वो जामुन फ्रूट के ट्री पे चढ़ी थी, वहाँ से वो गिर गई तो उसका फुट जो है टूट गया। बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन, माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर, जब उसका पैर टूटा तब क्या था, विंटर था। वाइल ग्रेजिंग अवर गोट्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्ले, वंस एट द एज ऑफ 10 ईयर आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग, वो क्या करती थी, फिर उसके यहाँ गोट थी, उसके साथ उसको चराने के लिए लेकर जाती थी और खेलती थी, इसी में बिजी हो गई। जब वो 10 ईयर की हो गई तो उसने क्या किया, Once at the age of 10 years, I got a big scolding. I had lost one goat. उसने क्या किया, जब वो 10 ईयर की हो गई तो उसके हाथ से एक गोट खो गई तो उसको बहुत सारी डांट पड़ी। At the age of 15 years, I was married. जब वो 15 years की हो गई तो उसकी शादी हो गई, married हो गई वो। My husband was much older than me. उसके हस्बैंड जो थे उससे एजेड थे। My first daughter was born 3 years after my marriage. उसकी मैरिज के 3 years after उसकी first daughter हुई उसको। Later I had 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old. जब वो 20 years की हुई फिर उसको second baby हुआ, फिर 22 की third baby and 24 की हुई तब उसको fourth baby हुआ। Time passed very fast then I was busy with my farm. उसके बाद
और वो लोग ये सब होने के बाद वो अपने फार्म में बिजी हो गए, मतलब उसके खेती में, हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, बट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स माई वर्क केम टू अ स्टॉप। उसके बाद वो जब 35 ईयर्स की हो गई तो वो कहते हैं कि मेरी लाइफ स्टॉप हो गई, माई हस्बैंड फेल इल एंड डेड। तब उसके 35 ईयर्स की थी, तब उसके हस्बैंड की डेड हो गई। हीज ब्रदर्स ट्राई टू टेक अवे अवर फार्म, उसके हस्बैंड के जो ब्रदर्स थे वो लोग उसका फार्म लेना चाहते थे। दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वॉज अ विच, सम गुड पीपल सेव्ड मी। उसके घर के लोग उसको गालियाँ देते थे तो बाकी कुछ लोगों ने उसको उनसे बचा लिया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। फिर उसने क्या किया, वो केस जीत गई, जो लोग उसको हराना चाहते थे वो जीत गई। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो 40 ईयर्स की हुई तब उसने पुलिस स्टेशन देखा पहली बार। व्हेन आई वॉज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट, जब वो 45 ईयर्स की हुई तो उसने पढ़ना और लिखना सीखा। आप लोगों ने कब पढ़ना लिखना सीखा, अभी आप पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। वो कब सीखी, जब वो 45 ईयर्स ओल्ड हो गई तब। 2 ईयर्स लेटर आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड, फिर उसके बाद 2 ईयर्स के बाद उसके बड़े लड़के की शादी हो गई। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, अब वो कितनी ईयर की है, 50 ईयर्स की। आई एन्जॉय प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चाइल्ड, उसके जो ग्रैंड चाइल्ड है उसके साथ वो अभी अच्छे से रह रही है। टू ऑफ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल, और उसके 2 बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं। तो पीछे जो स्टोरी दी हुई है हमें, तो उसके ऊपर से हमें यहाँ पे उसकी लाइफ की टाइमलाइन बनानी है। देखिए, सम थिंग्स दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो, कुछ जो थिंग्स है उसके लाइफ में हुई यहाँ पे दी हुई है। मार्क दिस ऑन हर टाइमलाइन फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमें उसके टाइमलाइन पे उसको मार्क करना है, ठीक है। वेन शी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड पेटकी ब्रोक हर फुट, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसका पैर कब टूटा, तो वहाँ पे दिखा जब वो 5 ईयर्स की थी। ये एज की टाइमलाइन है, जो एज 5, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे बीच में कोई भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो यहाँ पे हमें मार्क करना है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर्स में क्या हुआ था, उसका ब्रोक हर फुट, तो ए नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे ए नंबर दिया है। अब उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था वो यहाँ पे हमें मार्क करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे उसका फुट जो है वो ब्रोक हुआ था। जब वो 10 ईयर्स की थी तब क्या हुआ था, लॉस्ट वन गोट, उसकी जो वन गोट है वो खो गई थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी, बी नंबर पे है वो सेंटेंस इसलिए हमने बी लिखा, यहाँ पे सेंटेंस नहीं समाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 20 ईयर्स की थी तब कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जब वो गॉट मैरिड, वो उसकी शादी कब हुई, जब वो 15 ईयर्स की थी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 15 ईयर का मार्क बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी, वो 15 ईयर्स की थी तब वो उसकी मैरिज हो गई। उसके बाद हैड हर फोर्थ चाइल्ड, कब हुआ उसका फोर्थ चाइल्ड, जब वो 24 ईयर्स की थी तब उसका फोर्थ चाइल्ड हुआ। जैसे 22 में सेकेंड हुआ था, फिर 20 में उसका सेकेंड हुआ था, आफ्टर मैरिज 3 ईयर्स के बाद उसको फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ, फिर 20, 22 और 24 को इस तरह से उसको 3 बच्चे हुए, उसके बाद वाले 3 बच्चे हुए, मतलब उसका फोर्थ चाइल्ड था वो कब था, 24 ईयर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24 का मार्क बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी, उसका फोर्थ चाइल्ड उसका 24 ईयर में हो गया। उसके बाद यहाँ पे 30 ईयर्स में उसके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जब वो 40 ईयर्स के थे, फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन, कब देखा था उसने, जब वो 40 ईयर्स की थी तब उसने फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन देखा था। फिर लर्न टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना कब सीखी थी, जब वो 45 ईयर्स की थी तब वो लिखना और पढ़ना सीखी थी, ठीक है। उसके बाद एल्डेस्ट डॉटर्स गॉट मैरिड, उसका एल्डेस्ट डॉटर का कब हुआ था मैरिज, 47 ईयर्स की जब वो थी तब उसके बड़े बेटे की बड़े लड़के की शादी हुई। तो इस तरह से आपको ये टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे है
मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बॉर्न, वो कब बॉर्न हुई, यहाँ पे टाइम लाइन दी हुई है, मार्क किया हुआ है, ठीक है। इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेड की एज अ न्यू बॉर्न बेबी, जब ये इसका जन्म हुआ तब उसका यहाँ पे पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, बेबी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये पिक्चर में इसकी टाइम लाइन बताई है, ठीक है। जैसे कि ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे वो पिक्चर बनाना है आपको। मेक योर ओन टाइम लाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एट लीस्ट वन थिंग्स दैट हैपन इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। तो देखिए, ये आपके लाइफ की टाइम लाइन बनानी है आपको, जैसे आपकी एज है 1, 2, 3, 4, तब आपके साथ क्या क्या ये हुआ, वो आपको इंसिडेंट हुए, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करने हैं। मेक टाइम लाइन ऑफ पीपल यू एडमायर, दिस कैन बी फॉर्म अमॉन्ग योर फैमिली फ्रेंड्स टीचर। अब आपके पहचान में जो भी कोई होगा, जिसके जिसकी लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे पल आए होंगे, तो उस तरह से आप उसका किसी का भी टाइम लाइन बना सकते हैं। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, कुसुम के लाइफ के एक दिन में क्या हुआ, वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे, कुसुम डेली क्या करती थी, उसका यहाँ पे रूटीन दिया हुआ है। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, यहाँ पिक्चर में क्या करना है, जहाँ पे वॉच क्लॉक में हैंड्स नहीं बताए वहाँ पे हैंड्स बताने हैं, और जहाँ पे हैंड्स बताए और यहाँ पे टाइम दिया नहीं है वहाँ पे हमें लिखना है। फॉर सम पिक्चर गिव द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक, इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। फर्स्ट दिया हुआ है हमें, कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने बजे उठी कुसुम, तो यहाँ पे दिए देखिए टाइम दिया है 6 o'clock, तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, एट 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पे, शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, तो कब उस पानी वाटर निकाल रही है वेल में से, एट 6:30 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे 6:30 हमें किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आएगा स्मॉल हैंड एंड यहाँ 6 पे आएगा लॉन्ग हैंड, इस तरह से हमें 6:30 हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, शी क्लीन्स हर हाउस, कितने बजे हाउस क्लीन किया उसने, 7:30 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट 7:30 इन द मॉर्निंग, उसने 7:30 इन द मॉर्निंग में उसने हाउस क्लीन किया। देन शी गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, वो कितने बजे स्कूल गई, 8 o'clock, एट 8 o'clock, तो यहाँ पे हम 8 o'clock किस तरह से बनाएंगे, ये रहा 8 और ये रहा 12, तो एट 8 o'clock को वो स्कूल गई। फिर हमें दिया है शी इज़ स्टडिंग इन अ स्कूल, वो स्कूल स्टडी करने गई तो कितना, कब स्कूल में स्टडी कर रही थी, 10 o'clock, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट 10 इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ओ क्लॉक भी यूज कर सकते हैं आप, 10 o'clock, चलो यहाँ पे लिखते हैं ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। फिर यहाँ पे है शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, वो कितने बजे स्कूल से आई, तो 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो वन यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये रहा 1 o'clock इन द आफ्टरनून में वो स्कूल से आई। देन शी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, उसने लंच किया उसके ब्रदर के साथ और उसके ग्रैंड मदर के साथ, कितने बजे, 2 o'clock, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 o'clock इन द आफ्टरनून। ठीक है, आफ्टरनून के 2 बजे उसने अपने ग्रैंड माँ के साथ और ब्रदर के साथ लंच किया। फिर शी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स,
फिर वो किसके साथ खेलने लगी, फ्रेंड के साथ, कितने ओ क्लॉक, 5:30 इन द इवनिंग। 5:30 हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, 5 और 6 के बीच में, और 30 मतलब शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड लेंगे 6 के ऊपर। तो इस तरह से हमने 5:30 ड्रॉ करने हैं। फिर शी लिसन्स टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप। फिर उसने क्या किया, सोने से पहले अपने ग्रैंड माँ से स्टोरी सुनी। तो कितने बजे, 9 o'clock at night। तो यहाँ पे 9 o'clock हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्लॉक में, इस तरह से करेंगे, शॉर्ट हैंड 9 के ऊपर और 12 के ऊपर है लॉन्ग हैंड। इस तरह से आपको टाइमलाइन आपके दिन भर क्या करते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये है कुसुम की, आपकी तरह ही है, ठीक है। तो इस तरह कुसुम की ये टाइमलाइन है, दिन भर में वो क्या करती है। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोविंग योर ओन डेली रूटीन। अब आपको क्या करना है, आपका डेली रूटीन यहाँ पे फिल करना है, जैसे टाइम ऑफ द डे इन वर्ड। आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कब उठते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर यहाँ पे कितने बजे उठते हैं वो क्लॉक ड्रॉ करनी है, हैंड्स बनाने हैं, और यहाँ पे लिखना है कि एट, आप सपोज आप 6 o'clock उठते हैं तो एट 6 इन द मॉर्निंग आपको यहाँ पे लिखना है। फिर मैं 2-3 आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने लिखा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो यहाँ पे कितने बजे उठते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 6 o'clock आप उठते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एट 6 इन द मॉर्निंग। इस तरह से आपको यहाँ पे आपका रूटीन लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड में उठने के बाद आप क्या करते हैं, आई टेक अ बाथ एट द इन द मॉर्निंग। तो आप आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में बाथ लेते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग में उठने के बाद आप बाथ लेते होंगे, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, उठने के बाद तुरंत लेते हैं 6:30, यहाँ पे हम टाइम बनाएंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा लॉन्ग हैंड 30। तो एट 6:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर कौन सा काम करते हैं आप लोग, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, तो आई हैव ब्रेकफास्ट, तो कितने बजे करते होंगे ब्रेकफास्ट, 6:30 को 7 o'clock लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और हैंड्स बनाएंगे और लिखेंगे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ब्रेकफास्ट होने के बाद आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, कितने बजे जाते हैं आप स्कूल में, तो आप जाते हैं 7:30। तो हम यहाँ पे करेंगे 7:30, तो एट 7:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आपको टाइमलाइन बनाई है। फिर आप स्टडी करते हैं कितना टाइम, वो यहाँ पे लिखेंगे, स्कूल जाने के बाद स्टडी करते हैं, उसके बाद आप रिटर्न आते हैं वो वाला टाइम लिखेंगे, और फिर आप खेलते हैं वो वाला टाइम आप यहाँ पे लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पे एक रिटर्न आने का टाइम लिखेंगे, फिर खेलने का और फिर सोने का। इस तरह से आपको यहाँ पे आपका वन डे का रूटीन आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे वाले 3 कॉलम्स आप फिलअप करिए, ऊपर वाले 4 कॉलम मैंने बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर में कैलेंडर पढ़ा, टाइम पढ़ा, आपके आपको जितना टाइम, चैप्टर का नाम ही है टाइम गोज ऑन, मतलब टाइम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, मंथ में काउंट कर सकते हैं, ईयर्स में काउंट कर सकते हैं, फिर ये जो क्लॉक में जो होते हैं टाइम वो इस तरह से आपने सभी इसमें देख लिया, क्लॉक भी देखी, कैलेंडर भी देखा है, मंथ भी देखा है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।